वाह बाबरी कहीं गयो सड़क पताल आपको तो कहीं भीतर गए ज्योति खात। मतलब कहने का हुआ रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोई सुनी अटली है लोग सब बांटी मिली है। दोस्तों अभी हम संस्कृत पढ़ेंगे और आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज इस क्लास को आप आधा जरूर कीजिए, आधा करने के बाद अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप क्लास को स्किप करके निकल जाइएगा, लेकिन हमें कार्य बता दीजिएगा कि आपको क्लास में क्या दिक्कत हुआ क्या समझ में नहीं आया। चलिए हम संस्कृत बिहार में टॉपर होने के दिखा, चलिए छोड़िए आज देखिए संस्कृत हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है पहला क्या था आपके पहला में है कि यस्य कृत्यम न विघ्नति शीत मुष्णम भयम् ऋति समृद्ध असमिद्रवा सवे पंडित उच्यते। सॉरी संस्कृत हिंदी समझ डायरेक्ट ठीक, क्योंकि हिंदी में प्रश्न पूछा जाएगा संस्कृत में। क्या कहा गया है जिसके कार्य को सर्दी गर्मी भय क्रोध समृद्धि असमृद्धि बाधा न डाले वे पुरुष पंडित कहे जाते हैं। मतलब क्या हुआ जिससे हम लोग क्या कहते हैं हम काम को करेंगे कुछ हो जाएगा काम करेंगे क्या हो गया वो पंडित कहला गया। जिस चाहे वर्षा हो चाहे गर्मी रहे चाहे पत्थर गिरे काम हमको करना है ऐसा जो सोच लिया वो पुरुष क्या हो गया पंडित हो गया। हमको पढ़ना है चाहे लाइट आए ना आए कुछ हो, लेकिन अभी विद्यार्थी है तुम लोग डिजिटल तुम लोग का बस एक ही बहाना है लाइट कटा हुआ नहीं बना है। अगला दिन चलिए दूसरा मंत्र आपका अश्लोक है सभी जीवों के तत्व को जानने वाले सभी जीवों के तत्व को जानने वाले अपने कर्मों के योग को जानने वाले मनुष्य के सभी उपाय को जानने वाले पुरुष पंडित कहे जाते हैं। दूसरा शब्द है पंडित किसको कहेंगे हम लोग जो सभी जीवों के तत्व को जानते हैं जो सभी जीवों का दर्द को समझते हैं सभी जीवों के बारे में जानते हैं कि ये जीव है इसको मारना इसको क्षति पहुंचाना कहीं ना कहीं हमारे लिए हानिकारक है हार्मफुल है वो उसको हानि नहीं पहुंचाएगा। अब अगला इसमें आ जाता है अपने कर्मों के योग को जानने वाले यानी मनुष्य है हमारा कर्म क्या है हमारा धर्म क्या है कैसे आना चाहिए कैसे व्यवहार होना चाहिए ये वो खुद को जानता है। तो ऐसे पुरुष मनुष्य के सभी उपाय को जानने वाले जैसे मनुष्य को कोई भी दुख है कोई भी पीड़ा है कोई भी कठिनाई है उसको जानते हैं थोड़ा सजेशन हो सही सजेशन दे तो ऐसे पुरुष क्या माने जाते हैं पंडित कहे जाते हैं। पंडित पंडित ये नहीं होता कि हम ब्राह्मण है तो ब्राह्मण पंडित हुए ब्राह्मण पंडित जो होते हैं वैसे देखो अगर वैदिक युग से माना जाए इतिहास में पंडित वही लोग हैं एक शिक्षक की पंडित है टीचर भी पंडित है एक डॉक्टर भी पंडित है जो वेद का अध्ययन करता वो भी पंडित है चाहे जाति कुछ भी ठीक है। चलिए संस्कृत पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा संस्कार मिल जाएगा। तीसरा कहता है वह मनुष्य मूर्ख हृदय वाला तीसरा देखो बहुत अच्छा लाइन है कहता है वह मनुष्य मूर्ख हृदय वाला एवं मनुष्य में नीच है जो बिना बुलाए प्रवेश करता है बिना पूछे अधिक बोलता है और अविश्वास पर विश्वास करता है। मतलब कहने का अर्थ क्या हो गया वह पुरुष जो है मनुष्य आदमी है वह नीच है जो कहीं भी गेट बंद गया सोचना चाहिए अंदर कौन है आदेश लेना चाहिए क्या मैं अंदर आ सकता हूँ मैं आई कमिन सर बिना पूछे प्रवेश करता है। जैसे तुम लोग में से कई बच्चे बिना पूछे हुए होंगे क्या ये क्या है तुम लोग मूर्ख हृदय वाला पढ़ लिख के मूर्ख और मनुष्य में नीच है क्योंकि वह अविश्वास पर क्या करता है विश्वास। जो पुरुष का देगा कल गाछी में भूत देखे कैसे बोल रहा था ऐसे बोल रहा रो रहा था हाँ रो रहा था अब विश्वास कर लिया ऐसा नहीं होना चाहिए विश्वास नहीं कीजिए अरे भूत है हम नहीं देखे नहीं मान साइंटिस्ट होता है साइंटिस्ट वैज्ञानिक जो होता है वैज्ञानिक का एक नियम होता है जो जानो सो मानो जो जानो सो मानो है नहीं था कुछ नहीं सीधी सी बात भूत प्रेत कुछ नहीं। चलिए चौथा है चौथा लाइन है आपका एक ही धर्म परम कल्याण एक ही धर्म परम कल्याण एक ही क्षमा उत्तम शांति एक ही विद्या परम तृप्ति एवं एक ही अहिंसा परम सुख देने वाला होता है। कहने का अर्थ हो गया एक ही धर्म परम कल्याण आप अगर हिंदू में आपका जन्म हुआ है तो आपका वही धर्म सबसे बड़ा क्या है कल्याण है। जाति हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ नहीं है सबसे बड़ा धर्म होता है आपका इंसानियत सबसे बड़ा धर्म इंसानियत होता है। अभी लोग धर्म परिवर्तन कर लेता है कोई ईसाई मतलब हिंदू है वो ईसाई बन जाता है सिख बन जाता है जैसे कि हमारे इंटर के छात्र है उधर खुशाह बताए थे आप लोग को उसका क्या है पुआ जो है वो बन गई है
ईसाई धर्म शायद बन गई है, ईसाई बन गई है या सिख धर्म को अपना लिया, जबकि वो हिंदू है, हिंदू में एक यादव कुल में जन्म है और वो दूसरा धर्म है, तो वो परम कल्याण नहीं है, ये तो फालतू अपना मस्ती के लिए बदल रहे। एक ही क्षमा उत्तम शांति है, अगर आप क्षमा किसी से मांग लेते हैं तो वहां पे लड़ाई ही नहीं होगा और वो आपको शांति प्रदान करेगा, ठीक है। और एक ही विद्या परम तृप्ति है, विद्या आपको होना चाहिए, विद्या से आपको तृप्ति मिलती है, शांति मिलती है मन की, और एक ही अहिंसा परम सुख देने वाला हो जाता है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग समझ रहे होंगे, अगर यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ता हो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वेबसाइट पे आप जाकर के लिख लीजिए, madhavhansi.com वेबसाइट ओपन कीजिएगा, संस्कृत वाले फाइल में जाकर चेक कर सकते हैं। चलिए पांच नंबर, धन ऐश्वर्य चाहने वाले पुरुष, देखो ये तो हिंदी संस्कृत में श्लोक था ये 6 नंबर का, लेकिन हम 5 में लिखा गया, इसमें दिक्कत की बात नहीं है, कान ऐसे पकड़ो घुमा के पकड़ो, काने पकड़ो, ठीक है, काने नहीं पकड़ेंगे, दो दो चार कहें तो दो दो एक तीन कहेंगे, एक इधर लेके दो उधर लेके, तो जोड़ कितना होगा, तीन होगा ना, दो एक तीन, दो एक वही थोड़ा उल्टा लिखा गया, उल्टा नहीं मतलब नंबरिंग चेंज हो गया। जो धन ऐश्वर्य चाहने वाले पुरुष को ये लाइन सबको याद रखना, जो जीवन में चाहते हो हम अमीर बन जाए, बहुत धन मिले, बहुत पैसा मिले, उस पुरुष को 6 वो दोष को त्याग देना चाहिए, क्या दोष को, 6 दोष को छोड़ देना चाहिए, निंद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस एवं दीर्घ सूत्रता। अभी सबके बारे में समझ, देखो क्या क्या छोड़ना चाहिए, निंद्रा, निंद्रा मतलब नींद को छोड़िए, 5 से 6 घंटा सोइए विद्यार्थी, लेकिन कम से कम 6 घंटा सोना जरूरी है, तंद्रा भय क्रोध आलस दीर्घ सूत्रता ये 6 दोषों को छोड़ देना चाहिए, ठीक है। इसमें देखो मुख्य रूप से आपको समझ में आ गया होगा निंद्रा भय क्रोध आलस, तंद्रा और दीर्घ सूत्रता क्या होता है, क्या बोले, तंद्रा और दीर्घ सूत्रता, ठीक है, निंद्रा तंद्रा मतलब होता है तनिक देर के बाद करना, ठीक है, तनिक देर के बाद करना मतलब काम को आज पर, आज का काम कल पे छोड़ देना, ये तंद्रा के अंतर्गत आ जाता है, थोड़ा सा स्पष्ट पूरा नहीं है वह आपको जनरली समझा दूंगा। दीर्घ सूत्रता मतलब होता है ये बहुत वो लत रहता है कोई चीज का, आदत कहते हैं ना आदत, एलर्जेटिक, दारू पीने का नशा, यानी खाने का, गांजा पीने का, और गांजा पीने वाला बच्चे देखिए आज का छोटा बच्चा भी होता है बोलता है हम महाकाल के पुजारी हैं, तो गांजा पीने के लिए पुजारी बना है, पुजारी है नहीं, महाकाल का पुजारी क्यों बना है, वो धुक्का मारने के लिए बोलेगा महाकाल, और उससे जो बड़ा लड़का होगा वो उसको मोटिवेट करेगा, अरे महाकाल के पुजारी हैं पियो नगर के गांजा, और गांजा जब भी खराब आ जाए, ठीक है, आप में से कोई अगर करते होंगे तो प्रयास कीजिए छोड़ देने का, ठीक है, लड़की है कि लड़की नहीं पीती, तो ले देखिए 6 नंबर क्या है आपका, नरक के 3 द्वार है, नरक के कितने द्वार है, 3, काम क्रोध और लोभ, ये 3 को छोड़ दो नरक नहीं जाओगे, अगर स्वर्ग जाना है तो 3 चीज को छोड़ देना पड़ेगा, काम क्रोध लोभ, काम मतलब क्या होता है यही तो सबसे बड़ा बात है, काम मतलब है कि आप गलत काम छोड़ो, काम को प्रोसेस को सही से करो, पढ़ने की तरीका को बनाओ, रूटीन से करो, तालिका वाइज करो, आज तक रूटीन तुम लोग नहीं दिखाई कैसे पढ़ती हो कैसे रहती, जो जीवन में रूटीन नहीं बना के पढ़ते हैं वो बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लम हो जाता है उसको, क्रोध मतलब गुस्सा, ठीक है, क्रोध मतलब गुस्सा आप छोड़ दीजिए, लोभ छोड़ दीजिए, अधिक लोभ, अधिक लोभ करोगे तो लोभाविष्ट चक्र धर्म बताए थे सिर पर क्या नाचेगा, चक्र नाचेगा, याद रखिएगा। 7 नंबर, सत्य से किसकी रक्षा होती है, धर्म, हमेशा सत्य बोलोगे तो आपका धर्म बचा रहेगा, सत्य से धर्म की रक्षा होती है, योग से विद्या की रक्षा होती है, उबटन से रूप की रक्षा होती है, देखो उबटन का मतलब क्या होता है, उबटन मतलब होता है स्वास्थ्य, अगर खूब स्वास्थ्य रहेंगे तो सुंदर अपने आप बन जाएंगे, स्वास्थ्य मतलब अच्छा खाना समय पर खाइए, योग कीजिए, व्यायाम कीजिए, आप सुंदर दिखने लगेंगे, सुंदर हो जाओगे। 8वां है, हे राजन, सदा प्रिय बोलने वाले पुरुष आसानी से मिल जाते हैं, अभी दुनिया में आपको सही बात बताने मतलब अच्छा बात बोलने वाले लोग मिल जाएंगे, लेकिन अप्रिय एवं बोलने वाला और सुनने वाला दोनों नहीं मिलता है, अप्रिय मतलब वहाँ गलत बोलने वाला मिल जाता है, आपका सवाल सही था कि अभी लोग ने उल्टे पुल्टे बोलने वाला मिल जाता, अच्छा बोलने वाला कोई नहीं मिलता, सही बात है, लेकिन आपको जो है अप्रिय जो बोलने वाला रहेगा और सुनने वाला आपकी बात मतलब अर्थ यहाँ होगा, आपको जो जैसे कष्ट है आपको, आपका बात कोई सुनने वाला नहीं मिलेगा, आप अप्रिय मतलब हुआ गलत बोलने वाला आपको नहीं मिलेगा जब आप कष्ट में लेगा, अप्रिय बोलने वाला लोग आपको मिल जाएगा आसानी से मिल जाएगा, लेकिन आपको कष्ट को दूर नहीं, जीवा बाबरी कही गये सड़क पताल, आपको तो कही भीतर गए ज्योति खात।
मतलब कहने का हुआ, रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोई, सुनी अटली है लोग सब बांटी नली है कोई। आपको कुछ किसी कुछ बताइएगा तो कहेगा हाँ बड़ा दिक्कत है आपको, वाह भगवान कैसा ना हुआ, अंदर सोचेगा भन्ने हुआ हाँ। लेकिन मुंह पर कहेगा आपको बहुत अच्छा बेकार होगा, भगवान इसको कष्ट को दूर कर दीजिए। लेकिन अंदर होगा कि भने इसको हो गया है, बहुत ऐसा ऐसा था, होता है नहीं, यही सच्चाई है। चलिए नौ नंबर, अब नौ नंबर देखो लड़की लोग के लिए, आप लोग के लिए ठीक है। इसमें कहता है घर की लक्ष्मी घर की शोभा युक्त स्त्रियां क्या कही गई है, पूजनीय है, कल से अगरबत्ती जलाना लड़का लोग ठीक जो भी है। घर की लक्ष्मी घर की शोभा युक्त स्त्रियां क्या कही गई है, पूजनीय कही गई है, इसलिए स्त्रियों की विशेष रूप से क्या करनी चाहिए, रक्षा करना चाहिए। अगर कहीं आप देखते हो, देखो सबसे बड़ा रिश्ता दुनिया में होता है भाई बहन का होता है, कहीं अगर देखते हो प्रॉब्लम कोई लड़की है उसको हेल्प करना चाहिए, और लड़की को भी ऐसा समझना चाहिए, तो कभी ऐसा होना जरूरी, बहुत अच्छा लगेगा जब किसी को आप देखो लड़के हैं लड़का हम कहते हैं लड़का जो भी है हम कहते हैं, कभी किसी दूसरे को लड़की को या कोई दूसरे को बहन को अपना अगर मान को उसको कुछ को मतलब बताने का प्रयास करो या कुछ कहती है बात को सुनने का प्रयास करो, देखो बहुत बड़ा खुशी मिलेगा, बहुत अंदर खुशी मिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग स्त्रियों की पूजा करिएगा रोज घर पे लड़के लोग ठीक है, अपनी मतलब स्त्रियों की पूजा कहने का मतलब अपनी मम्मी बहन पापा से, पापा थोड़ी आपको स्त्री रखते हैं, पापा स्त्री थोड़ी है, पापा स्त्री है, तुम लोग इस पर भी ध्यान दो, गिरा देगी तो ठीक है। मतलब जो बहन होती है घर के बहन बहन है या फिर जैसे माँ है या अगल बगल बहन है उसको रक्षा करना चाहिए, मतलब कहीं गलत रास्ता ना जाए, उठा पुटा ना करे। इसलिए अगला है विनय अपयश को मारता है, पराक्रम अनर्थ को, क्षमा क्रोध को एवं आचरण कुलक्षण को मारता है। कहने का अर्थ है देखो विनय अपयश को मारता है, जब आप बहुत स्वभाव का अच्छा रहोगे ना तो आपके अंदर घमंडी उल्टा पुल्टा चीज को अपना मर जाएगा ठीक है ना। चलिए वीडियो बनिए, चलिए थोड़ा गिर गया था ना, तो देखिए कहे विनय अपयश को मारता है, अच्छा स्वभाव आपका रहेगा ना आपके अंदर बुरा चीज आने से रोकेगा उसको, और आपका सही हमेशा आप सकारात्मक सोचिए, हमेशा आप सही सही बात सोचिए, अच्छा सोचिए, अरे नहीं होगा तो भी होगा, अच्छा सोचिएगा तो आपके अंदर क्या होगा बुराई धीरे धीरे अपने आप खलास। पराक्रम अनर्थ को मारता है, पराक्रम अनर्थ को, आपका यशस्वी होना चाहिए, आपको देखने में आचरण आपका गाँव घर में क्या होना चाहिए, पराक्रमी है एकदम, कोई चीज में आपको आगे रहना चाहिए, हाँ ऐसे काम होगा होने वाला है, तब नहीं होने रहा तो भी आगे नहीं हो जाना है ठीक। और क्षमा क्रोध को मारता है, अगर क्षमा आप कहीं पे मांग लेते हो तो वो क्रोध को क्या करता है, मार देता है। जैसे आप किसी से कोई प्रॉब्लम हुआ आप कहते हैं हम आप महान है आप जीत गए हम हार गए, वो बेचारा अपना क्षमा मांग लीजिए तो क्या हो जाएगा वो खुश हो जाएगा, लेकिन दुनिया में ऐसा लोग नहीं करता, कहता है हम झुकेंगे हमको ऐसा कहेगा गिर जाएगा। देखिए आचरण कुलक्षण को मारता है, इसका मतलब होता है अगर आपका आचरण सही है तो आचरण अगर खराब हो गया तो कुलक्षण को मार देगा। जैसे होता है किसी को सुनते होंगे उसके घर में ऐसा हो गया उसका आचरण खराब था उसका वंशी पर जाएगा। यस सर, किसी घर से कोई अगर माने कोई फरार हो गए लड़की अगर भाग गई तो ये नहीं देखेगा कि अरे उल्टा पुल्टा उसके बाप को, सीधे उसके बाप दादे पर चल जाएगा, बाबे से देखेगा कि उसका बाबा का वंशी खराब था, उसका बाबे ऐसा था, हाँ उसका दादी ऐसा था, मतलब 100% सही होता है, ये गलत तो ही होता है सही होता है, तो लोग वंशी पर चल जाता है, रेयर केस में होता है सबका नहीं होता है, हो सकता है किसी का केवल मम्मी ही हुई मतलब मम्मी का वंश खराब हो सकता है, पापा मम्मी में तो हो सकता है, पापा का वंश या मम्मी का वंश दोनों में से कोई खराब हो सकता है ना, ऐसा भी तो हो सकता है, इसे आगे बोलना नहीं चाहिए। और